वो लकड़ी अंदर ही अटक गई। करेंगे कोक स्टूडियो तो पाजी वाला सीन होगा, सारी दुनिया देखेगी। भाई एमी भी कोई कर रहा है मेरे हिसाब से तो, कि अब्दुल वहाब वहाब खान के सर पे बाल है या झाटे, बाल है या झाटे। तो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरे रिएक्शन चैनल पे तुम लोगों का स्वागत है, GDX रिएक्ट, जहां आती है डेली रिएक्शन वीडियोस। तो आज एज यू नो तुम लोगों के सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सारे पढ़ता हूँ। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है, एक दिन में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आई प्रॉमिस कि मैं सब चीज़ें कवर करूंगा, डेट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो आज तुम लोगों ने, जैसे कि हमने दो डिस तला यूनिस के ऑलरेडी की कर दिए थे, और तुमने बोला था एक और तला यूनिस का कोई डिस है। बहुत कमेंट है भाई, मैं सबको नोट करके रखता हूँ। तला यूनिस का डिस 18 प्लस कुछ तुम लोगों ने बताया था मुझे, 18 प्लस डिस कुछ था। तो तुम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी भाई तला यूनिस के ब्लैक पैंथर पे। अब तला यूनिस का ये गाना और है, फिर एक दो गाने हम और करेंगे, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ दोबारा हम शिफ्ट करें चनके पे। कौन है चनके, मुझे जानना है इस बंदे के बारे में। चनके के जो भी फैंस हैं अगर देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं कौन सा पहला गाना लूँ। मेरा तो वो वाला गाना लेने का मन है जिसमें उनने पूरे हिप हॉप को डिस किया था, हाँ वो मेरा सुनने का पहले मन है। बट चलो कोई नहीं, तुम कमेंट करके बताना चनके का कौन सा गाना सुनाया जाए। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ब्लैक पैंथर, जो कि मार्वल फ़ैन हूँ मैं भी, और ब्लैक पैंथर तुम्हें पता है अलग लेवल का, ये एक सुपर हीरो है ब्लैक पैंथर। तो ये है डिस 18 प्लस, मतलब कि इसमें गाली गलोच भी हो सकती है, तो जिसे ना पसंद गाली गलोच वो ना देखे वीडियो। तला यूनिस प्राउड डॉट डॉट बाय उमेर खान ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। ओके लेट्स गो एंड लेट्स रिएक्ट टू दिस म्यूजिक। ओके गो। किसी को बांध रखा है और उसको रैप गाना सुनाया जा रहा है। आज जंग अपनी नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेगा। जंग अपनी नहीं है पर अपने भाई के लिए लड़ेंगे, मतलब कि अंजुम के लिए। एक ही तो भाई है इसका, अंजुम के लिए शायद किसी ने कुछ बोला होगा तो उस पर शायद यूनिस आया है, वही ट्रिपल एस शॉन माइकल वाला सीन। आंट दे डिसन के आंट दे खान बोला जान दे, पर तला बोला इनकी जबान को लगाम देने के आंदे, बच्चे नए आए शायद तभी नहीं जानते, ट्रिमर लाओ उग गया झांटे, फैंस बोले काट दे उन्हें फेक बोला था अपना के मानते, लिरिकल पीडीए से तो मैंने बांध के। रुक जा यार, रुक जाओ यार, ओए रुक तो जाओ। म्यूजिक बहुत प्यारा लगा यार। ओके ओके दोबारा से शुरू करते हैं, पर तला बोले इनकी जुबान, शुरू से आंट दे डिसन के आंट दे खान बोला जान दे, पर तला बोला इनकी जबान को लगाम देने के आंदे, बच्चे नए आए शायद तभी नहीं जानते, ट्रिमर लाओ उग गया झांटे, फैंस बोले काट दे उन्हें फेक बोला था अपने के मानते, लिरिकल पीडीए से तो मैंने बांध के स्लंट अंडरग्राउंड को भेजो सारे लानते, अब आप आया गेम में अब सोचे किसको जाके गांड दे, गाडू हमने बोला था नाड़े बांध दे, सारे जानते रैप का मकसद ज्यादा जान के, कोक स्टूडियो में आए थे अब बीबीसी में आएंगे। कोक स्टूडियो में आए थे यार, हाँ इसके मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे, कोक स्टूडियो वाला गाना देखो भाई इनका, कोक नेक्स्ट कोक स्टूडियो वाला देखते हैं, बस हो गया बस बहुत। कोक स्टूडियो वाला गाना रिएक्ट करते हैं, क्या है इसमें ऐसा कोक स्टूडियो वाले में, कोक स्टूडियो में आए थे टट्टी करके गए हैं मजीद भाई, कोक स्टूडियो में आए थे बीबीसी में आएंगे, टट्टी करके गए हैं मजीद करके जाएंगे, आज चोद रहे बातें कल टट्टे उठाएंगे, पर सच नहीं बताएंगे फैन ये भाई के, क्या चुते आप है शक्ला शक्ला बंद करो ये चकला, अपना जरा सच तो बकना, करना वो रैप पे शक्ला है टेढ़े मेढ़े हाथ, सलामा ते लकवा मोजा सुंगाऊं क्या, तेरी असलियत दिखाऊं क्या, बच्चे मैं आज भी रेलेवेंट तुम जैसों को एक उंगली पे नचाऊंगा, सोचा था इसने इजी ई बनूंगा, सुनाऊं क्या मचाऊं क्या। एमीवे को डिस किया जा रहा है क्या यहाँ पे, लगता तो नहीं मुझे, बताना। वो एक उंगली पे नचाऊंगा, सोचा था इसने इजी ई बनूंगा, न्यू स्कूल को छापूंगा बच्चियां घेरूंगा, पर मैं इन सबसे अब अकेला लड़ूंगा, ये तबाह हुआ था मैं दफन करूंगा, जैसे गोरकन डिस तेरी बॉस एंड यू वैक निगा डोंट टॉक मच, मेरे बारे में ये इंस्टाग्राम पे जाके लाइव बातें करे बच्चे बिना वजह भौंक मत, मैं लिरिकली हार्ड बॉल वो जैसे आग और ये लव्ज है अंगारे, माय होमी आई एम सैवेज यू एवरेज, तेरे जैसे बहुत बड़े हैं इन सेंट पैट्रिक्स एंड मैविक यू टेररिस्ट, कम विद द बैरिक दिस लेट मी राइट फॉर यू निगा आई बेटर व्हेन यू मैड एट दिस आई नो यू बैड एट दिस, मेरे अपने यार कर रहे कोक स्टूडियो वो गवा के मैं इनके लिए बड़ा खुश कभी सड़ाना, असल मम्मी डैडी तो ये लिल जे के सच्ची बात मैंने पहले कभी किसी को ये कहा ना, क्या तेरी उस नीमरा को छेड़ा था या तेरे घर में मैं पड़ा था, शुरू
सबके उठाते थे आबिद ब्रो अनपढ़ तो अब उसको नीचा दिखाते ये पीछा छोड़ाते हैं गीबत में आगे इनका मैनेजर भी यार मेरा सोचे कैसे जाता हूँ मैं बातें ये मेरे बार्स इनको काटेंगे I'm confused के अब्दुल वहाब खान के सर पे बाल है या जाटे हैं अब्दुल कौन है भाई ये अब्दुल कौन है अब्दुल कौन है उड़ाते हैं गीबत में आगे इनका गीबत आगे मैनेजर भी यार मेरे सोचने के ऐसे जाता हूँ मैनेजर भी यार मेरा सोचे कैसे जाता हूँ मैं बात नहीं है मेरे बार से इनको काटेंगे I'm confused के अब्दुल वहाब वहाब खान के सर पे बाल है या जाटे बाल है या जाटे मैंने सोचा कुछ रेफरेंस रेफरेंस दे रहा है ये ओ भाई यार 2 मिनट मैंने ऐसे करके पढ़ लूंगा ऐसे लिरिक्स पढ़े जा रहे हैं मुझसे और रस्तों के काटे हैं लफ्जों से काटे हम कितने पुराने पूछ लोगों से जाके क्यों कितने पुराने मुझे बताना कितने पुराने हैं टू यंगस्टर्नर्स कितने पुराने हैं भाई देखो मेरे टाइम पे मैं इंडिया से हूँ मेरे टाइम पे भाई मेरे टाइम पे जब मैं सुनता था मैं छोटा था तो बोहेमिया आए थे हमारे राजा किंग नंबर वन बोहेमिया बोहेमिया से मैं पता चला था हाँ बोहेमिया रैप वैप करते हैं फिर हनी सिंह से हमें पता चला एक रेवोल्यूशन आया था हनी सिंह इंडिया के अंदर एक हिप हॉप म्यूज़िक मतलब कि रैपिंग का पता चला था हाँ ये रैप होता है इसको रैप बोलते हैं तो हनी सिंह था और उसके बाद तो बैक टू बैक आते रहे सारे बट ये लोग कब से कर रहे हैं हसल यार मुझे ज़रूर बताना कब से कर रहे हैं लोग कितने साल हो गए इन्हें से काटे हम कितने पुराने पूछ लोगों से जाके क्यों बाप की इज्जत ये कर नहीं पाते मेरी नाजायज औलादे हम काबिल ये बातें हम काबिल ये बातें करे हु हा लाइक आदिल उमर को छोड़िए करे या हु हा लाइक आदिल उमर एक्सपीरियंस से काके इनकी उर्दू कमजोर तो ये प्लान बनाते महीने लगाते हम एक दिन में कागज जलाते हमेशा से रहे 10 साथ आगे अब ये मत बोलने गाना एक दिन में बना दिया इसने ये गाना एक दिन में इम्पॉसिबल है यार ये गाना एक दिन में तो नहीं बन सकता दू कमजोर तो ये प्लान बनाते महीने लगाते हम एक दिन में कागज जलाते हमेशा से रहे 10 साथ आगे ओए काले बातें निराले याद रहे हम घुस के फट जाते इनसे ज्यादा मेरे सुनने वाले जितने इनके टोटल गाने होते मेरे सोलो तभी चल रही 64 पे गाने लोगों से सुने मेरे बारे उन्हें रटे मेरे गाने सोचे ये किसी के हाथ क्यों नहीं आ रहे बेचारे हम उभरते सितारे तुम छू भी ना पाओगे बेशक अब छाप लो तू सारे फिर भी नू भी कहलाओगे सोचा भी कैसे कि बाप को हराओगे तेरा एक भी गाना हिट नहीं और कहता मेरे दिन कम ओ गरीबों के लिल पम तू बन रहा है जय कान तो मैं सिंगम अब पता मत ये ओ भाई ओ गरीबों के लिल पम तू बन रहा है जय कांत तो मैं बन रहा हूँ सिंगम ओ भाई रेफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे भाई बढ़िया बढ़िया ये मुझे लग रहा है चैन के कोई कर रहा है डिस फ्रॉम इंडिया इंडिया से यार बहुत फैन फॉलोइंग है इसकी पहला कमेंट ही इंडिया से है फ्रॉम इंडिया बड़ा बीट बड़ा फ्लो इज टू हाई ब्रदर मैं भी यार इनका फ़ैन हो चुका हूँ भाई इन बंदों का सच बता रहा हूँ ही रैप्ड इन हिंदी उर्दू इंग्लिश बट लेजेंड्स नो दैट लिटिल बिट मराठी एज वेल हैं मोस्ट अटेंडेड फ्यूनरल हिस्ट्री फ्रेशेस्ट फक फ्रॉम इंडिया इंडिया के ही ज़्यादातर कमेंट है भाई रफ्तार याद दिलाऊँ यूनुस मूसा सुंगाऊँ क्या ओके बाकी तुम लोग मुझे बता ही दोगे इतना तो तुम लोग मुझे भरोसा है ये एमी वे भी शायद कर रहा है प्लस चैन के वगैरह पे भी कर रहा है आई डोंट नो ठीक है तो मुझे बता देना अगर मैंने कुछ मिस कर दिया कोई रेफरेंस मिस कर दिया तो मुझे माफ़ कर देना मैं लिरिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें पता चला यूनुस का फ्लो मैं नहीं पकड़ पाता भाई बी ऑनेस्ट ठीक है ओके कंटिन्यू कर लकड़ी अंदर ही अटक गई अब कौन अपनी झटक यार मेरे घर वाले सोचे पागल हो जैसा लड़का 2 बजे रात को अब यार क्या लाइन थी यार लकड़ी थी फंस गई अब तू झटक भाई तू बन रहा है जयकांत तो मैं सिंगम अब पता माजी सटक ली तो बच्चों की आज पटक दी मेरी हंस छटी खटक रही छोड़े पॉप तू कतक सी को लात किसी पतक की बिला वजह लटक रही शौक था बड़ी लकड़ी का पर लकड़ी अंदर अटक गई अब गांड अपनी झटक भाई झटक तब निकल जाएगी लकड़ी अंदर से जे लटक रही शौक था बड़ी लकड़ी का पर लकड़ी अंदर अटक गई अब गांड अपनी झटक भाई किसी और की अब लटक भाई लेना अब नैप करना अब डैप बोलना अब हने हने
ए ए ए ए कौन बोलता है ए ए ए मदर चोद भाई, उस लाइन में भी ने बड़ा मुंह से ही बोला था। ये इसकी फेवरेट गाली है, हमारे दिल्ली में भी गाली बहुत फेमस है, हमारे तो भाषा में ही होती है चीज। वो दिल्ली से देख रहा था, एक बार ही कमेंट कर देना। तीन मिनट हो गए क्या यार? अभी तो भाई वार्म अप कर रहा है। ओ अभी तो वार्म अप कर रहा है भाई, ये कह रहा है अभी तो वार्म अप कर रहा है ये। आज भाई बहुत आए मेरे नाम से, इसके पास होने वाले बहुत आए हम लौट आए इनको। यार बहुत आए बहुत आए बहुत आए, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। मेरे लग रहा है एमईवी को ही डिस कर रहा है भाई ये। क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, मुझे बताया जाए प्लीज़। और यार मैं सच बता रहा हूँ, तला यूनिस, तला अंजुम, अंजुम के तो मुझे पता, शायद डिस नहीं बनाता होगा अंजुम, मुझे नहीं पता, अगर बनाता तो बताना। बट ये वाला रूप भाई, ये तो अलग ही रूप है इसका, यूनिस का, ये डेविल रूप है इसका। आज भाई बहुत आए मेरे नाम से, इसके पास होने वाले बहुत आए हम लौट आए इनको अब मौत आए। सड़क टॉक कड़क बहुत निक मेरा गॉड है, अब आते ना चोद मानने में पे हो इसके गाने के हो में बस दो फ्लो, तुम छे और हम दो स्पॉन्सर्ड ये लोग, हम असली जिहादी कराची से ब्रो। छे तुम लोग हम दो, कब का गाना है? 4 years ago, बंटा रिकॉर्ड्स तो नहीं था उस वक्त। कलमकार छे लोग, मुझे नहीं पता भाई, क्या पता नहीं पाकिस्तान को कोई रैपर हो। अब जो तुम लोग कमेंट करके मुझे बताते हो ना, तो मेरे रिएक्शन अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, तो मुझे बता दिया करो यार। गाने में कोई पंचलाइन नहीं है, आपस की बातें इनकी लड़ ग्राइंड, इनके गाने में कोई पंचलाइन ही नहीं है, आपस की बातें हैं इनकी लड़ ग्राइंड नहीं। कभी कोई सुनता ही नहीं मेरा डिस करना, इनको बनता ही नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं इन जैसे तो डंडा ही सही है। सही है फिर मैं मसरूफ, मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं, फिर भी तेरी कह के लिए जब हम करेंगे कोक स्टूडियो तो पाजी वाला सीन होगा, सारी दुनिया देखेगी। क्या 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 क्या, जब हम करेंगे कोक स्टूडियो तो पाजी वाला सीन होगा, सारी दुनिया देखेगी। भाई एमी वे कोई कर रहा है मेरे हिसाब से तो, सीन होगा सारी दुनिया देखेगी। पेनेडा मैंने इसे डिस किया और नहीं बोला काला, ये तो नकारा पहुंचा कोक तक लेके पटारी का सहारा, पर झूठा साला कहता कोक ने पैसा दिया 4 बार का और सच नहीं बता रहा। अबे तेरा वर्स भी चीख चीख के रो रहा, कोक मुझे क्यों निकाला। यानी हमने सोशल इश्यूज पे गाने बनाए, तेरी तरह फेमस होने के लिए खुद को सोशल इशू नहीं बनाया। इसे कहते हैं असल नॉलेज, स्किल और बार्स, सबसे बड़ी बात सबको समझ भी आएगा। से बहुत आगे की सोच है, तभी आज तक अंडरग्राउंड अपनी मर्जी से। और ये वाली आवाज़ ना तला यूनिस की मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, ये शायद जान पूछ के ऐसी आवाज़ में बोल रहा है शायद, मेरे हिसाब से ये जो आवाज़ है ना तला यूनिस की, ये शायद इसकी असली आवाज़ हो, क्या पता। ये इसका स्टाइल तो मैं पता है मुझे कितना पसंद है वाला स्टाइल, मैं नहीं पीता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ मैं, बट ये जो इसका स्टाइल है ना ये, और फिर इसकी वो बड़ी वाली दाढ़ी, ओ भाई क्या लुक आता है इस बंदे का भाई, यूनिस का। इसे कहते हैं असल नॉलेज, स्किल और बार्स, सबसे बड़ी बात सबको समझ भी आएगा। पैसे से बहुत आगे की सोच है, तभी आज तक अंडरग्राउंड अपनी मर्जी से। सही बात, जिंदगी फट गई सिलवा लो जाके। तमाम दवाएं बच्चों की बहुत से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल वाली बोलो जो कि हर गाने में होता है इनके। यार भाई यार क्या गाना था यार ये, कुछ मिस तो नहीं, अभी 3 मिनट। Greatest of all time, rebirth, motherfucker. भाई क्या डिस था, मुझे नहीं पता किस पे था, मुझे जाना पड़ेगा भाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, मुझे जाना पड़ेगा ये किसको डिस कर रहा है, क्योंकि मुझे उसका भी सुनना है, अब मुझे उसका सुनना पड़ेगा भाई। अब ये चैनके को कर रहा है, एमईवीए को कर रहा है, अब मैं तुम्हें पता है मुझे नहीं पता इस चीज़ों के बारे में, मैं ऐसे आते 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 सुनते टू टन सुनते सुनते मैं घुस चुका हूँ इस दुनिया के अंदर, इस रैप सीन के अंदर मैं घुस चुका हूँ। और मुझे नेक्स्ट सॉन्ग बताना कौन सा रिएक्ट करना है,
और चैन के पे करा जाए या तला जी ने इसके और गानों पे आगे रिएक्शन करा जाए तो मुझे बताना। ये डिस बहुत खतरनाक था, भैंड के डिस भी मैंने इससे पहले किया था वो भी अच्छा था, बट इसमें फ्लो ज़्यादा था तो मुझे स्क्रीन छोटी करके इसमें मतलब लिरिक्स वगैरह पढ़ने पड़े, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ तुम लोग इसमें प्रॉब्लम हुई हो तो। बट हाँ, कुछ समझ तो आना चाहिए ना अगर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो। बढ़िया था, अच्छा था, जो भी बंदे जिसने मैं इसको डिस किया है, जिसको भी इसने डिस किया है एंड उसकी भाई ले ली है इसने, ठीक है। चलो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ GDX रिएक्ट। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो यार, और अगर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग। 90% मैंने चेक करा एनालिटिक्स यूट्यूब के, तुम लोग आते हो रिएक्शन देखते हो चले जाते हो। सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, 2 मिनट का काम है, ऐसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पे करना है। हर रोज डेली रिएक्शन वीडियोज आती है, ठीक है, डेली। तो कमेंट में बता देना अपना फेवरेट रैपर, अपना फेवरेट जो भी गाना तुम सुनना चाहते हो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता, पढ़ता हूँ, नोट डाउन कर रखे हैं गाने, सब पे आएंगे तो होपफुली तुम समझा करो। एक गाना ही डाल पाता हूँ पर डे के हिसाब से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, होपफुली वो यूनिस होगा या चैन के होगा, वो मैं देखता हूँ किस पे करना है। और इसके अलावा भी कोई डिश था तो मुझे बताओ, कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे ना। ओके भाई, सबको प्यार है जो भी सपोर्ट करते हैं, जो भी रिएक्शन वीडियोस मेरी देखते हैं, सबको बहुत सारा प्यार भाई दिल से, जो भी बंदा इस वक्त देख रहा है उन सबको ऐसे सपोर्ट करते रहना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और डिस गाने और रिएक्शंस आएंगे, तब तक के लिए बाय, सबको बहुत सारा प्यार। GDX साइनिंग ऑफ, बाय, पीस।